खबर की तो राजस्थान कैबिनेट गठन में हो रही देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंत्रियों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर किसे मौका मिलेगा, किसका नाम होगा मंत्रिमंडल में शामिल। मंत्रियों के नाम को लेकर जारी माथापच्ची के बीच प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी सह प्रभारी हैं विजय राहटकर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कैबिनेट गठन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा दो बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भजनलाल ने मंत्रियों के नाम की लिस्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर अब तक नहीं लग पाई है। मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर बीजेपी विशेष रणनीति बना रही है। अब ये रणनीति क्या है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, इसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा और अब ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा, इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। तो अपडेट ये मिल रही है कैबिनेट गठन से जुड़ी हुई कि भजनलाल शर्मा से मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हुई है बातचीत। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, ना केवल राजस्थान की जनता सवाल कर रही है कि आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, और सवाल विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी कर रही है ये कहकर कि आखिर इतनी देरी मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी सरकार क्यों लगा रही है। पहले कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल मिनी होगा, यानी कि शुरुआत में छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, आगे इसका विस्तार किया जा सकता है, लेकिन अब जानकारी ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, यानी कि कई मंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकता है।